आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। निर्वाचन विभाग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के अंतिम और दूसरे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए विभाग द्वारा तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही सोमवार को विभाग द्वारा मतदान दलों को ईवीएम मशीन के साथ ही अन्य मतदान हेतु सामग्रियों का वितरण किया गया है। साथ ही मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए पूर्ण सुरक्षा के साथ रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें 20 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसके मद्देनजर मतदान दलों को एक दिन पूर्व रवाना किया गया है, ताकि सुव्यवस्थित, सुगम्य और निर्बाध निर्वाचन के लिए ये मतदान दल पूर्ण रूप से तैयारी कर सकें। और इसी के साथ ही रमझाझर परिवार लोकतंत्र के महापर्व यानी 20 नवंबर को होने वाले मतदान में प्रत्येक मतदाताओं को अपने मत के प्रयोग करने का अपील करता है। जिले में 661 मतदान केंद्र है और वहाँ के लिए पार्टियाँ रवाना शुरू हो गई है। हमारे सवेरे से लोग, हमारे अधिकारी आए हैं और सामग्री वितरण का कार्य पूर्ण हो गया है और लोरमी के कुछ 10 टीम लगभग निकल गई है, 10 रूट की गाड़ियाँ। बाकी लोग सामान लेकर वाहन की तरफ जा रहे हैं और वन बाई वन करके सारे लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे चातरखार में तीनों विधानसभा का वितरण कंप्लीट हो गया है, बल का भी और मतदान दलों का भी। सभी लोग अपनी बसों से जल्द ही अपने पोलिंग बूथ की तरफ रवाना होंगे। पूरे ज़िले में लगभग 2500 पुलिस फोर्सेस तैनात हैं। इसमें CAPF की 20 कंपनियाँ, जिला बल, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड सभी इंक्लूड किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 28 सेक्टर पेट्रोलिंग की गाड़ियां हैं, जिसमें भी CAPF का और जिला बल का फोर्स प्रोवाइड किया गया है, जो कि विभिन्न बूथों का भ्रमण लगातार करते रहेंगे। इसके ऊपर 10 जोन बनाई गई हैं, जिसमें भी पुलिस फोर्स प्रोवाइड किया गया है मॉनिटरिंग के लिए। और हर विधानसभा में एक एक QRT है, जिसमें एडिशनल SPs उनको मॉनिटर करेंगे और 25 जवान अलग अलग फोर्सेस के उसमें लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी विपरीत स्थिति होने पे हम तत्काल रिस्पॉन्ड कर सकें और जल्द से जल्द कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पुलिस की प्रेजेंस इंश्योर कर सकें।